स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू इंग्लिश मास्टर. टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ न्यू टॉपिक इन ग्रामर विच इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. सो देर आर टू सेंटेंसेस आई हैव गिवन ओवर हियर. एवरीवन ड्रिंक्स वाटर एंड वाटर इज ड्रंक बाय एवरीवन. बोथ मीन द सेम बट व्हाई वन इज कॉल्ड एक्टिव एंड द अदर पैसिव दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू इन ब्रीफ. तो यहाँ हम आज बात करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की. ये सेंटेंस एवरीवन ड्रिंक्स वाटर है और हमने इसको दूसरी तरह से लिखा है वाटर इज ड्रंक बाय एवरीवन. तो क्यों ये एक्टिव है और क्यों ये पैसिव है और ये क्या वॉइस क्या है. तो वॉइस क्या होती है पहले वो समझिए. एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है जो वर्ब पे अप्लाई होती है. किस पे अप्लाई होती है? वर्ब्स पे. और वर्ब कौन होती हैं? एक्शन वर्ड होते हैं. एक्शन वर्ड यहाँ ड्रिंक है. देखिए पीना ये ड्रिंक है तो ये हमारा एक्शन वर्ड है. दैट मीन्स इट इज वर्ब. तो वॉइस इन इंग्लिश एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट टू द एक्शन. तो जो डूअर होता है जो सब्जेक्ट होता है जो काम को कर रहा होता है उसके एक्शन से रिलेट करती हैं वही हमारी वर्ब्स होती हैं. वॉइस की टू वैल्यूज होती हैं. एक एक्टिव होती है जिसमें सब्जेक्ट काम कर रहा होता है और दूसरा पैसिव हो जाता है जो सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है. तो दैट इज द डिफरेंस. समझ आया? एक्टिव मतलब सब्जेक्ट इज डूइंग एन एक्शन और पैसिव मीन्स सब्जेक्ट इज रिसीविंग द एक्शन. इट इज नॉट डूइंग डायरेक्टली. जैसे ही एग्जाम्पल है शेक्सपियर ने रोट क्या रोट किया? हैमलेट. शेक्सपियर ने एक नॉवल लिखा जिसका नाम हैमलेट था. तो ये हो गया एक्टिव क्योंकि शेक्सपियर इज द पर्सन हु रोट. सो दिस इज द वर्ब. तो सब्जेक्ट यानी शेक्सपियर क्या कर रहे हैं? एक्शन कर रहे हैं जो कि है रोट. क्या रोट किया उन्होंने? हैमलेट. अब जब हम इसको ऐसे लिखेंगे हैमलेट किसने लिखी? शेक्सपियर ने लिखी. तो हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर. तो हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी. तो यहाँ हम देखते हैं सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन एंड हियर वी सी दैट सब्जेक्ट इज रिसीविंग द एक्शन. हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर. इसमें क्या करते हैं? इट इज सो सिंपल. जो सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं और जो हमारी वर्ब होती है उसे हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं. दैट्स ऑल. और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो हम क्या करते हैं? वो हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब यूज़. अब यहाँ देखिए शेक्सपियर रोट हैमलेट. शेक्सपियर ने हैमलेट को लिखा तो ये कौन सा फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है. सिंपल पास्ट क्योंकि सिंपल पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. तो आपको करना क्या है? आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है. उसके बाद आप उस टेंस को उससे अगले वाले टेंस में जंप करा दो. दैट्स ऑल. वेरी सिंपल. तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है. उससे बाद क्या आता है? पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं? वॉज और वर. एक चीज और याद रखनी है जो हमारा सब्जेक्ट बनता है हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. यहाँ हैमलेट सिंगुलर नंबर है तो हमने यहाँ वॉज यूज किया है और यहाँ पर अगर कोई चीज प्लूरल होती तो हम यहाँ वर यूज करते. तो ये सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. इस तरह से हमारे सारे सिंपल आगे कंटिन्यूअस में चेंज हो जाते हैं. दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस एंड सिंपल फ्यूचर चेंजेस इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस. क्लियर? आगे देखिए द एक्टिव वॉइस इज द नॉर्मल वॉइस द वन दैट वी मस्ट यूज मोस्ट ऑफ द टाइम. इन द एक्टिव वॉइस द ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब. यहाँ पर कौन रिसीव करता है? ऑब्जेक्ट रिसीव करता है. जैसे देखिए कैट्स ईट माइस. सो माइस की माउस की पास्ट फॉर्म सॉरी प्लूरल फॉर्म क्या होती है? माइस होती है. तो कैट्स क्या खाती हैं? माइस खाती हैं. तो कैट्स इज आर डूअर हियर सब्जेक्ट जो क्या कर रही हैं? खा रही हैं. क्या खाती हैं? माइस को खाती हैं. तो एक्शन यहाँ कौन रिसीव कर रहा है? यहाँ रिसीव कर रहा है ऑब्जेक्ट जो कि माइस है. अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा? अब देखिए टेंस कौन सा है? कैट्स ईट. तो इससे पता लग रहा है प्लूरल फॉर्म के साथ हमने वर्ब
सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई है और इसमें एस या एस ऐड नहीं किया हुआ है, दैट मीन्स इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस एक आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फिर हम चेंज करेंगे वैसे ही, माइस इधर आ जाएगा और कैट्स उधर चला जाएगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, माइस, अब माइस प्लूरल है और ये सिंपल प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब जंप करेगा तो उसमें हम यूज करते हैं एज आर एम। तो एज आर एम जब हम यूज करेंगे तो क्या होगा, माइस आर, बिकॉज दीज आर प्लूरल। तो माइस आर, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन बाय कैट्स, क्लियर। तो यहां पर माइस होंगे जो कि इधर आएगा तो क्या बनेंगे, ये हमारे सब्जेक्ट डूअर हो जाएंगे और कैट रिसीव करेगी एक्शन को। यहाँ फिर कैट हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट माइस है इसलिए ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो ये क्या है, ये है हमारा एक्टिव वॉइस। आगे देखिए, द पैसिव वॉइस इज लेस कॉमन, इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो यहाँ देखो आप, माइस क्या क्या हो रहे हैं, आर ईटन, खाए जा रहे हैं बाई कैट्स। तो देखो यहां हो गया, ये रिसीव कर रहा है, इजंट इट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या रिसीव करता है, एक्शन, ठीक। आगे देखिए, सी हाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन एक्टिव वर्ब्स बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव। यहां एक्टिव है एवरीबडी ड्रिंक्स वाटर, ये कैटेगराइज किया हुआ है, ये सब्जेक्ट हो गया, ड्रिंक्स आप देख सकते हैं यहाँ एक्शन हो रहा है और ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, वाटर है, तो हर कोई क्या करता है, पानी पीता है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे यहाँ ले आएंगे और इसे फटाक से यहाँ ले जाएंगे। अब हम फिर टेंस पहचानेंगे वर्ब देख के, तो हमारी वर्ब से फिर पता चलता है एवरीबडी ड्रिंक्स, तो ड्रिंक्स मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब फिर से ये किसमें चला जाएगा, इसके आगे कौन सा आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जब वाटर को हम इधर करेंगे तो वाटर यहाँ आ गया, वाटर अब हम देखेंगे ये सिंगुलर फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा, इज ड्रंक, इज रहेगा क्योंकि हम इसको नेक्स्ट में जंप कराते हैं, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रंक हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल द वर्ब्स चेंज इनटू पास्ट फॉर्म। तो वाटर इज ड्रंक, और इसको इधर लाने से पहले हम किसका यूज करते हैं, बाय का, बाय एवरीबडी, क्लियर। अब देखिए, कैट्स ईट माइस, द एक्टिव वॉइस इज द नॉर्मल वॉइस ऑफ एन इंग्लिश सेंटेंस। Intransitive verbs, verbs with no direct object are always in active voice. Intransitive verb कौन सी होती है, ये मैं आपको अलग वीडियो में समझा दूंगी, काफ़ी important होती हैं transitive और intransitive, लेकिन यहाँ मैं short में बता देती हूँ, जो verbs होती हैं जिनमें कोई direct object दिया हुआ नहीं होता है हम उन्हें intransitive verb कहते हैं। तो वो ज़्यादातर हमें किस में मिलती हैं, active voice में मिलती हैं। तो transitive verbs are usually in the active voice. देखिए जैसे जॉनी लाफ्ड, ठीक है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट हो गया, आप देख रहे हैं उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। एंटोन गॉट अप लेट, ठीक है, क्लियर। पीपल ड्रिंक वाटर, अब क्या है, इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो जो भी एक्शन होता है वो कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, उसमें उसमें होता है सब्जेक्ट। All tenses are possible in the active voice as well as sentences type positive, negative and or question. तो ये सब possible किस में होते हैं, active में ही होते हैं। हम active का usage कहाँ कहाँ करते हैं, the active voice is the default voice in English, that means it is used by everyone, ठीक है। All transitive verbs can only be in the active voice and all transitive verbs usually are active voice unless we deliberately make them passive. हम जब तक उन्हें पैसिव ना बनाए तब तक सारी ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं वो एक्टिव वॉइस में ही यूज होती हैं। स्पोकन इंग्लिश में क्या करते हैं, हम एक्टिव वॉइस को यूज करते हैं क्योंकि यही नेचुरल वॉइस है, बहुत प्रिसाइस रहती है और शॉर्ट होती है। रिटन इंग्लिश में एक्टिव वॉइस इज यूजुअली ईजियर एंड मोर इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर। पैसिव वॉइस कैन साउंड डल एंड ब्यूरोक्रेटिक, इट इज टिपिकल ऑफ ऑफिशियल राइटिंग। इन द इंटरेस्ट ऑफ प्लेन इंग्लिश दैट द एवरेज पर्सन कैन अंडरस्टैंड, मैनी गवर्नमेंट्स नाउ एनकरेज सिविल सर्वेंट्स टू राइट इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ज्यादा फ्लुएंट होता है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है, डायरेक्ट और स्पेसिफिक होता है, ये सारी इसकी
वो दिए हुए हैं, देखिए क्वालिटीज डायनामिक होता है तो हम इसलिए इसका यूजेज नॉर्मली करते हैं, बट अगर हमें ग्रामर में चेंज करने को आएगा तो देन वी हैव टू लर्न द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक्सेप्ट ऑन ओकेजन्स वी व्हेन द पैसिव वॉइस इज एक्चुअली यूजफुल, द एक्टिव वॉइस इज द वॉइस ऑफ चॉइस। तो ये हमारी क्या बन जाती है, वॉइस ऑफ चॉइस बन जाती है, वेदर वी चूज इट टू स्पीक और नॉट। पैसिव वॉइस, माइस आर ईटन बाई कैट्स, दिस एग्जाम्पल विच वी लर्नड ओवर हियर। क्लियर, आगे आते हैं। ऑल्दो द पैसिव वॉइस इज लेस कॉमन देन द एक्टिव वॉइस, देर आर सेवरल गुड रीजन्स फॉर समटाइम्स यूज द पैसिव। ऑन दिस पेज वी लुक एट हाउ टू कंस्ट्रक्ट द पैसिव एंड वेन एंड वाई टू यूज इट। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं जो हमारी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, विल बी, शैल बी, वो सब यहाँ आता है। फिर हमारी मेन वर्ब आती है जो हमेशा पास्ट फॉर्म में होती है, फिर हम बाय का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को इधर ले आते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल फॉर्मूला टू लर्न हाउ टू मेक दम। अब देखिए कैसे करते हैं इनको। तो ऑक्सिलरी क्या होती है, कंजुकेटेड इन ऑल द टेंसेज द मेन वर्ब इज ऑलवेज द पास्ट पार्टिसिपल, द एजेंट इज ओरिजिनल डूअर ऑफ द एक्शन। जो एजेंट होता है वही असली डूअर होता है एक्शन का, क्योंकि वो यहाँ से उठ के यहाँ लाया जाता है ना। अब देखिए कैसे करते हैं हम, यहाँ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। सब्जेक्ट आए हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया, एम हो गया, मेन वर्ब एम्प्लॉयड बाय किसके द्वारा, एप्पल, एप्पल इज अ कंपनी ओवर हियर नॉट अ फ्रूट। तो यहाँ आई एम एम्प्लॉयड बाय एप्पल, मुझे किसने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, एप्पल कंपनी ने। यू विल बी वोकन एट 6। तो अगर आप यहाँ नजर डालेंगे तो आपको सब क्या देखने को मिलेंगी, ये सब पास्ट फॉर्म देखने को मिलेंगी। सी, वोकन, फिनिश्ड, नोटिफाइड, ट्रांसफर्ड, पेड। और यहाँ आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ हम देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे सब में ऑक्सिलरी वर्ब का यूजेज हो रहा है, ठीक है। आई एम एम्प्लॉयड बाई एप्पल, तो यहाँ सेंटेंस क्या रहा होगा, एप्पल एम्प्लॉयड मी, एप्पल एम्प्लॉयड मी, तो आई एम एम्प्लॉयड बाय एप्पल। क्लियर, ये देखिए, यू विल बी वोकन एट 6, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ बना है तो ये यहाँ होगा, है ना। इट विल हैव बीन फिनिश्ड बाई देन, तो विल हैव किस में चेंज हो गया, विल हैव बीन में, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो गई, बाई देम होगा ये, ठीक है। वी हैव बीन नोटिफाइड बाई हेड ऑफिस, तो ये सब देखिए, ये सब यहाँ से इंटरचेंज हुए हैं, ये यहाँ आ गया है और ये यहाँ चला गया है, ठीक है। तो वी हैव बीन नोटिफाइड बाई हेड ऑफिस, तो ये कैसे होगा एक्टिव, हेड ऑफिस नोटिफाइड, हैज नोटिफाइड अस, तो जब अस को हम इधर से इधर लाते हैं तो वो वी हो जाता है और जब इधर से इधर ले जाते हैं तो अस हो जाता है। तो यू के साथ में क्या करते हैं, देखिए यू है, उसके साथ में इज आर एम है, तो इज आर एम में क्या करते हैं हम बींग को ऐड कर देते हैं, ऐसे ही वॉज वर्ब में भी हम बींग को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जैसे कहें आई एम राइटिंग अ लेटर, तो कैसे हो जाएगा, अ लेटर इज बींग रिटन बाय मी, ऐसे हो जाएगा। दे विल बी पेड, तो विल के आगे एक और जंप कर जाता है तो वो क्या हो जाता है, विल बी, शैल, शैल बी, तो दे विल बी पेड, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा, ऑक्सिलरी बी कैन बी कंजुगेटेड फॉर ऑल पर्संस एंड टेंसेस, मेन वर्ब इज इनवेरिएबल, यानी पास्ट पार्टिसिपल में दी हुई है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और जो जैसे कोई एजेंट होता है, जैसे हमने यहाँ इन सेंटेंसेस में किसे किसे पढ़ा, एप्पल को, हेड ऑफिस को, ये इंट्रोड्यूस किससे होता है, बाय से, देखो बाय हेड ऑफिस बाय एप्पल। अब देखो एजेंट लेस स्पेसिफिक कौन होते हैं, जिनमें एजेंट दिया हुआ नहीं होता है, जैसे ये वाला सेंटेंस हमने पढ़ा, इजंट इट, आइए देखते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव सेंटेंस डज एन द एक्शन इन द पैसिव सेंटेंस, वी एक्सप्रेस द डूअर और एजेंट थ्रू बाय अ फ्रेज और लॉन्ग पैसेज, और वेरी ओफन वी रिमूव इट कंप्लीटली द शॉर्ट पैसेज। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द एजेंट इज द अलाइज, देखिए द अलाइज फायर बॉम्ब
ड्रेसडन। तो ड्रेसडन यहां पर इधर आ गया और ये यहां पर इधर चला गया, उससे पहले क्या आ गया, बाय आ गया। अब ये कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस था, देखिए ये था सिंपल पास्ट। मैंने आपको बताया सिंपल पास्ट किस में जंप करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। इसलिए देखिए ड्रेसडन, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ किसकी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी यूज हुई है, वॉज। ड्रेसडन वॉज फायर बॉम्ब्ड बाय द एलाइज, ठीक है। और हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, कैसे, ड्रेसडन वॉज फायर बॉम्ब्ड, दिस इज ऑल्सो क्लियर एंड करेक्ट। तो शॉर्ट पैसिव वॉइस इज ऑल्सो नोन एज द एजेंटलेस पैसिव, सून यू विल सी हाउ यूजफुल इट कैन बी। अब हम नेगेटिव और क्वेश्चंस वालों में क्या करते हैं, ये ऐसे करते हैं, यू आर नॉट पेड, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद में नॉट का यूज कर देते हैं। जैसे आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, तो कैसे हो जाएगा, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। दे विल नेवर बी एम्प्लॉयड बाय अस, तो देखिए विल और बी के बीच में नॉट बी या नेवर बी आ जाएगा, ठीक है। जैसे has been है तो has not been हो जाएगा। आपने सिंपल नेगेटिव बनाने में भी वैसे ही यूज किया होगा, सिंपली द सेम वे वी विल बी यूजिंग हियर ऑल्सो, ठीक है। आर दे क्लीन्ड रेगुलरली, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाकर रख लेंगे और उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लगा लेंगे। Has your wallet been? अब देखो जब हमारा has been का यूजेज है सेंटेंस में तो बीच में हमारे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। हम उसको दो टुकड़ों में बांट लेंगे, has पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया और फिर been आया। Has your wallet been stolen? ठीक है, तो कैसे होगा, समझ आया, आई होप दिस इज क्लियर, कि हम जब कोई बात पूछी जाती है तो उसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब पहले ले आते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब अगर दो टुकड़ों में हो तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं और बीच में हम अपना सब्जेक्ट लगा देते हैं। क्लियर, इस तरह से कर लेते हैं। हियर इज द प्रॉपर लिस्ट विच यू कैन मेक इन योर नोटबुक टू रिमेम्बर। देखो बहुत अच्छे से समझो, ये सिंपल हो गया या कंटिन्यूअस हो गया या परफेक्ट हो गया, चेंजेस क्या क्या होते हैं। सिंपल प्रेजेंट में इज आर एम और थर्ड फॉर्म। अगर कंटिन्यूअस टेंस मिला आपको तो उसमें क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग ऐड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म वैसे ही रहेगी। हैव और हैज मिला तो उसमें हैज हैव के साथ में बीन और ऐड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म वैसे की वैसे ही रहेगी। ऐसे ही पास्ट में क्या होता है, सिंपल पास्ट अगर मिलेगा हम उसमें वॉज और वर ऐड कर देंगे और हम उसमें क्या लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमें वो उसमें लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है, तो वॉज वर के आगे क्या और ऐड कर देंगे, बीइंग और ऐड कर देंगे। और अगर हमारा टेंस कंटिन्यूअस में लिखा है तो हम उसको कैसे, हैड में लिखा है सॉरी, सिर्फ परफेक्ट में, तो हम कैसे चेंज कर देंगे, हैड बीन। एग्जांपल ले लेती हूँ, आई राइट अ लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी, ठीक है। अगर आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अगर होगा कि आई हैव रिटन अ लेटर, तो कैसे हो जाएगा, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। सेम हियर, I wrote a letter was written by me, I was writing a letter was being written by me, और अगर had में होगा I had written a letter, तो कैसे हो जाएगा, I had been writing a letter, और a letter had been written by me, clear? ऐसे ही future को करेंगे, तो I will write a letter, so a letter will be written by me, और अगर हमें ऐसे लिखा हुआ मिले आई विल बी राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय मी। क्लियर। और अगर हमें इसमें फिर नहीं आता है, कंटिन्यूअस नहीं होता, तो विल हैव हो सकता है, आई विल हैव राइट अ लेटर, तो कैसे हो जाएगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। सो दिस इज हाउ वी डू all these, so this is at a glance, you can remember to understand it in much better way.